Javelin thrower Davinder Singh Kang, who was banned for doping, says he was suicidal during the ban period. Considered to be in the class of gold medal winner, Olympian Neeraj Chopra, Kang went through a harrowing phase in his life. He was banned for taking a prohibited substance, and it is only now that he is back in contention. But is it too late for him? The athlete had made several appeals for an early hearing into the matter. As a result of the delay in deciding the matter, Kang not only missed the final qualification event for the Tokyo Olympics, he was also made to sit out of competitions for one full year, waiting for the pronouncement of judgment in his case. Kang, an Asian bronze winner, was allowed to return to competitive fold by the panel after the Jalandhar-born athlete completed his one-year ban. In a chat with NNI Sports, Kang rued the missed opportunity but sounded happy about returning to the international circuit. सर देखिए ये मेरे को नहीं पता कि ये कैसे हुआ था. एक्चुअली क्या था कि मैं जब पोलैंड में था ना सर जी 2019 में मैं 3.5-4 महीने पोलैंड में रहा. वहां पर मेरे प्रॉब्लम थी और ये चीज कोच उवे होन को भी पता थी और हमारे रिकवरी एक्सपर्ट को, टीम डॉक्टर को, सबको. मेरे कानों के पास सर बड़ी बड़ी गांठ सी हो गई थी. हमने पोलैंड में भी दवाई ली तो वहां उन्होंने बोला कि कैंसर के सिम्टम्स है. मैं वहां भी थोड़ा डर गया. हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ. हाँ तो मैं वहां भी थोड़ा डर गया था सर. उसके बाद इन्होंने मैं इंडिया आया सर 6 अगस्त को इंडिया आया. तो 9 अगस्त को मैं कैंप से घर आता हूँ और क्योंकि मैं थोड़ा जलंधर से मेडिसिन लेता था तो डॉक्टर अंकुर हस्तेर जो हरियाणा हॉस्पिटल है वहां से मैंने मेडिसिन ली. उन्होंने मेरे को दी प्रिस्क्रिप्शन भी दी थी उन्होंने. वो भी मैंने नाडा को मेंशन करी थी जिसके ऊपर 2-3 टैबलेट थी. बीटा मेथासोन का नाम मेरे को याद है. एक मॉक्सी फिट या मॉक्सी टिट करके 500 करके थी. एक अमोक्सी क्लेव थी सर. ये चीजें उन्होंने दी और ऑन द स्पॉट उन्होंने मेरे को इंजेक्ट किया था. और मेरे को नहीं पता था कि 10 तारीख को मेरे को ये सब हुआ है. तो मैं ऐसे ही सरवाइव कर रहा था 3 महीने से. सोया नहीं जाता, जॉइंट्स में पेन था. तो जैसे ही मैंने वो लगा मेरे इंजेक्ट और विद इन 5 डेज के अंदर मेरी बॉडी रिकवर हो गई सर. कि मेरे वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे. और देन आई पार्टिसिपेटेड इन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 16 अगस्त को 2019 में. वहां पर मैंने वो पार्टिसिपेट किया. वहां से ये पॉजिटिव होता है. तो मेरे को ये चीज जुलाई के शायद या जून में 2020 में मेरे को ये लेटर मिलता है कि आपका स्टेरॉइड में पॉजिटिव हुआ है. मैं हैरान था कि मैंने कभी इस नाम की चीज सुनी भी नहीं है और मैं कैसे हो सकता हूँ. जब फिर नाडा का फॉर्म मैंने देखा जिसके ऊपर मैंने मेंशन कर रखा था कि मेरे गांठ हो रखी थी और मैंने ये मेडिसिन ली है तो उसके अंदर सर श्योर होता था कि ये है. और डॉक्टर अंकुर हस्तेर ने भी मेरे को प्रिस्क्रिप्शन और बाद में सर्टिफाइड करके दिया यस मैंने इंजेक्ट किया था. और देवेंद्र की उस टाइम स्किन में पिछले 3.5-4 महीने से प्रॉब्लम थी और मैंने एज अ पेशेंट इनको ये इंजेक्ट किया था. और मुझे एज अ डॉक्टर होने के नाते मैंने सबसे पहले ये किया था. अगर सर ये मैं मानता हूँ कि ये कोई अब बोलते हैं कि कोई अगर एक्सीडेंट हो या कोई बड़ी ट्रेजेडी हो तब डॉक्टर कुछ भी लगाए तो एथलीट की मान्यता है ऑन द स्पॉट. बट सर मैं भी 3 महीने से सर्वाइव कर रहा था. देन उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया तो ये चीज थी मेरे साथ. अब सर इसको मैं देखता कैसे हूँ. अब मेरा केस रिलीज हुआ है और बस कुछ नहीं बोलना चाहता. ये बोलूंगा कि हाँ ये हेयरिंग अगर 2020 में हो जाती. मान लो ये हेयरिंग मेरी अभी 1.5-2 महीने चली है बस और 4 हेयरिंग हुई है. 4 हेयरिंग में नाडा के पैनल ने, जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया है. क्योंकि इस सॉल्ट के ऊपर आप चेक करेंगे गूगल के ऊपर तो मैक्सिमम 8 मंथ हो बैन लगा है. हाईएस्टली 3 मंथ 2 मंथ 1 मंथ या वार्निंग. तो जो कि मेरा सेकेंड चांस था इंडिया के अंदर डोपिंग का. एक्चुअली मेरे साथ हो तो 3 बार चुका है सर बट इंडिया के अंदर सेकंड था. तो उन्होंने बोला सेकंड चांस है, कुछ ना कुछ करना है. तो सर उन्होंने मैंने प्रोविजनल सस्पेंशन भी वॉलंटियर होकर एक्सेप्ट किया था. तो देन अभी केस रिलीज हो चुका है तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. बट हाँ सर ये हेयरिंग थोड़ी सी पहले होती तो मैं ओलंपिक के लिए डैम श्योर बोलता हूँ मैं पार्टिसिपेट करता और देश के लिए मेडल भी ले आता. क्योंकि सर 2017 के अंदर अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा करता हूँ, हिस्ट्री क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट इंडियन बनता हूँ तो ये टोक्यो में भी पॉसिबल था. बिकॉज आई एम फिट दैट टाइम. मैं ऑन ग्राउंड
86 87 मीटर थ्रो कर रहा था अंडर विक्रमजीत सिंह कोच है मेरे उनके अंदर जो अभी जूनियर वर्ल्ड भी गए हुए हैं। ये मैं बताऊं तो सर अभी मैं वर्ड्स में नहीं मेरे में कमरे की काश आपको फोटो खींच के भेज सकता। मैंने यहाँ पर ओलंपिक गोल्ड मेडल बना के उसके ऊपर ओलंपिक और 2020 लिख के या बैनर लगा के चिपका रखा है मेरे वॉल के अंदर जाके 24 घंटे मेरे सामने रहे। और अब आप सोच सकते हैं मैंने उतारा नहीं है उसको अभी भी, क्या पता भगवान ने मेरे को उसके भरोसे कुछ और देना हो, मैं उसको उतारूंगा भी नहीं। काफी फोटोज लगा रखी है मैंने, नीरज की भी लगा रखी है अपनी, इंद्रजीत की या और इंटरनेशनल बड़े एथलीट्स की, बट अपने लिए भी गोल्ड मेडल लगा रखा था। हाँ क्योंकि मैं अचीव कर सकता था, मलाल बहुत ज्यादा रहेगा सर क्योंकि जब पहली बार ये न्यूज आई थी कि देवेंद्र सिंह पॉजिटिव अगेन एंड लाइफ बैन हो जाएगा, 8 साल का बैन लग जाएगा, ये हो जाएगा, सर ये मान लो कि मैं भी एक इंसान पहले हूँ खिलाड़ी बाद में हूँ, बोलते हैं खिलाड़ी स्ट्रांग होते हैं, यस आई एम स्ट्रांग, बट सर ये तीसरी बार हो जाए आपके साथ तो बड़ा लॉस्ट होता है। मेरा भी मन मतलब एक होता है गिव अप करना या बुरी संगत में फंसना या सुसाइड साइड में जाना, तो ये सारी मेरे साथ भी हुई हैं और बहुत कुछ दिमाग में आता था, कभी मैं दिन में ना रात में सो के नहीं देखा अच्छे से और बहुत ज्यादा टूट चुका था सर और ये मलाल मेरे को हमेशा रहेगा सर। और ड्यूरिंग उस पीरियड में सबसे पहले जैसे मैंने इसी जून की 2020 जून 15 को मैरिज भी करी है और ये मैरिज सर मैंने 33 इयर्स का था तब मैंने मैरिज करी। मैं एक्चुअली मैरिज इसलिए लेट करी सर कि यस मैं पहले अपने ड्रीम्स का घर बनाऊं, आने वाइफ को सब कुछ दूं, ये करूं वो करूं सब कुछ, बट मैरिज हो गई। देन उसके बाद जैसे ही मेरे को मैरिज होते ही, मैरिज होने से सिर्फ 15 दिन पहले पता चला सर मेरे को, फिर मैं मैरिज पोस्टपोन नहीं कर सकता था, टूटा था हंसते हंसते, वो भी जमाने के हिसाब से की मैंने। उस टाइम मेरे को अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है तो सर मेरी वाइफ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है कि इनको पता है, इन्होंने हमेशा एज अ स्टार मेरे से मैरिज की, राइट कि देवेंद्र स्टार है, देवेंद्र बहुत ये है वो है, तो इन्होंने सपोर्ट बाद में पता है कि अब सर मैं ये इन्होंने स्टार से मैरिज किया और अब स्टार जीरो हो रहा है तो ये भी ये देखते हैं और मैं भी मेरी नजर में जीरो होता हूँ, अपने आप को देख नहीं सकता हूँ। देन सर विक्रमजीत सर जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बड़े भाई भी हैं और कोच भी हैं जिन्होंने मैरिज में भी बहुत हमारे वो किया, वो उन्होंने मेरे को 4-5 महीने अपने घर में रखा सर, दिन रात मेरे को ट्रेनिंग के लिए बोलते, ट्रेनिंग हालांकि करूँ किसके लिए, अपकमिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेल सकता हूँ, कोई ट्रायल्स नहीं कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, सस्पेंड हो चुका हूँ, लाइव बैन की वार्निंग आ चुकी है, फिर भी विक्रम सर ने बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने भी सपोर्ट किया सर। इस केस में मेरे घर वालों ने अपनी जमीन भी गिरवी रख के हमने केस लड़ा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि इससे स्पॉन्सर सारे चले जाते हैं, तीसरी बार था स्पॉन्सर चले जाते हैं और सपोर्टर चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये ऐसा है, बट नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, सच्चा था तब सर, मैं तीसरी बार भी निकला हूँ और ये टाइम बहुत टफ था, विक्रम सर ने किया और इंद्रजीत सिंह शॉट पुटर सर आप जानते होंगे उनको, वर्ल्ड जूनियर मेडलिस्ट है, एशियन गेम मेडलिस्ट है, बहुत बार एशिया चैंपियन है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं, उनके साथ मेरी डे पर डे बात होती थी, वीकली बात होती थी, ही मोटिवेट मी लॉट्स ऑफ, पर डे बात करते थे, देवेंद्र तू सच्चा है, केस ठीक हो जाएगा तो गिव अप मत कर सर, ये चीजें भी कहीं ना कहीं मेरे को बचा रही थी। और मेरा लॉयर सौरभ मिश्रा जो हर बड़ी चीज को मेरे को छोटा बताते हैं, सपोज किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसको बोला यार कुछ नहीं चोट लगी है छोटी सी, ऐसे ही जब मैंने उनको बोला सौरभ सर ये तो 8 साल लिखा है, लाइफ लिखा है, बोले नहीं देवेंद्र ऐसा कुछ नहीं होता, हम केस लड़ेंगे तू देखना तेरा 2-4 महीने में निकल जाएगा, या 2-4 महीने नहीं लगे, 1 साल से ऊपर लगा, ये तब निकल जाता तो सर मान लो ये जुलाई में तब निकल जाता मेरा केस 2020 में, मेरे पास 1 साल बचता था सर, जुलाई में ही ओलंपिक हुई है, 1 साल के अंदर मैं वो परफॉर्मेंस देता कि मैं नहीं बोलता मेरी परफॉर्मेंस बोलती इन ओलंपिक। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे छोटे भाई ने नीरज ने मेडल लिया है, बहुत खुश हूँ सच्ची बता रहा हूँ बहुत खुश हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे को मेरे लिए भी मलाल होता है यार, यहाँ मैं भी होता और अपने भारत के 2 मेडल होते, 1 मेडल लॉस्ट हो गया सर ये लेट हेयरिंग की वजह से,
और इसका रीजन पता चला था कि पैनल ने बहुत सपोर्ट किया सर, जज साहब ने स्पेशली बहुत अच्छा फैसला दिया है सब देखते हुए। मैं उनसे ये नहीं बोलूंगा, बस हाँ कोविड की वजह से उस टाइम हेयरिंग नहीं हुई, ये चीज की थोड़ा दुख है सर।